देखिए छठ पर्व बड़े पैमाने पे यहाँ होता है। वहाँ पर कितना पानी है वहाँ पर? नमस्कार, सत श्री अकाल, जय गंगे माँ। SSR2 में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह जट, इस वक्त मैं बदरघाट में है और समस्या तो लगी रहती है ज़िंदगी में, अगर जीना है तो उस समस्या से लड़ते हुए आगे बढ़ना है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, छठ पूजा आने वाली है, गंगा मैया का रफ्तार जो है धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रही है और ऐसी स्थिति में क्या सुविधा क्या व्यवस्था होने वाली है, ये तो समझने वाली बात है। वैसे भी जिला प्रशासन और यहाँ के स्वयंसेवी संस्थाएँ, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता लोग लगे हुए हैं कि कम से कम कुछ राहत मिले। हमारे तरफ जब देखेंगे तो ये तमाम बोरा यहाँ पर है व्यवस्था करने के लिए, हर संभव प्रयास करने का तरीका अपनाया जा रहा है, लेकिन गंगा मैया है कि ध्यान ही नहीं दे रही है। यहाँ पानी आ गई है, सड़क पर आ गई है। उस स्थिति मारे बीच पटना साहिब के लोकप्रिय विधायक नंद किशोर यादव जी भी आए हैं और चलिए उनके साथ में चलते हैं, विभिन्न घाटों का मुआयना कर लेते हैं, किन किन घाटों पर अर्घ देने की बेहतर व्यवस्था है और कौन सी घाट सबसे खतरनाक है, ये तमाम बिंदुओं पर भी हम जानकारी हम आपको देंगे। चलिए मेरे साथ। प्लीज भाग रहे, भाग रहे, प्लीज। वहाँ पर कितना पानी है वहाँ पर? हमने तो थोड़ा भी तरह अब अभी देखिए छठ पर्व बड़े पैमाने पे यहाँ होता है और विशेष करके गंगा किनारे रहने वाले हम लोग हैं, लाखों लोग गंगा किनारे आके छठ का व्रत करते हैं, लेकिन अब बढ़ा हुआ पानी हम सबके लिए चिंता का विषय है। प्रशासन को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि छठ के मामले में कोई कोताही न बरते और वैकल्पिक इंतजाम करने का भी प्लान सरकार जरूर बना ले। साथ साथ गंगा किनारे आने की जितनी सड़कें हैं, जितनी गलियाँ हैं, नमामि गंगे के योजना के तहत उन गलियों में उबर खबर स्थिति पैदा हो गई है। सरकार की घोषणा के बाद भी उन गलियों के मरम्मत का काम अभी तक ठीक से प्रारंभ नहीं हुआ है। बहुत सारे रोड और गलियां ऐसी हैं जहां तो काम ही नहीं लगा। अविलंब सरकार अपनी एजेंसी को दुरुस्त करे और सभी रास्तों को छठ के पहले ठीक करने का काम करे, और ठीक करने का काम कोई चिप्पी लगाने का काम नहीं करे। जो उस प्रोजेक्ट का नियम था कि जिस प्रकार की सड़क उन्होंने खोदी उस प्रकार का निर्माण करके देंगे, उसके अनुरूप उन सड़कों और गलियों के निर्माण का काम प्रशासन अविलंब पूरा करें। क्या सुझाव देना चाहेंगे? बता तो रहे हैं, पानी के जलस्तर बता रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था करने का इंजाम सरकार करे। एक तो जैसे जैसे पानी घटेगा, अगर दलदल की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ बालू की व्यवस्था, उसको समतल करने की व्यवस्था ये सरकार सजगता से करे, और अगर पानी नहीं घटता है, कठिनाई पैदा होती है, तो तालाबों के निर्माण का काम भी सरकार अविलंब करे ताकि छठ व्रती आराम से छठ कर सके।